हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल राजीव मॉम सोलन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे मेक ओवर सिंपल तरीके से महिला कम पैसे में कैसे कर सकती है घर में, तो वो बताया है। और हेयर को आप कैसे स्टाइलिश बना सकते हैं थोड़ा सा जूड़ा वूड करके, वो भी बताया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को शेयर करना जरूर, क्योंकि बहुत ऐसी महिलाएं होती है जो कि करवा चौथ का व्रत रखती है, साल में एक बार आता है, तो उनके पास पैसे नहीं होते। वो सोचती कि हमने भी ऐसे सजना धजना रहा, तो मैंने भी थोड़ा सा आपके साथ ये वीडियो शेयर की है, कम पैसों में हम घर में बैठे कैसे अपना मेकओवर कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने वीडियो डाली है, ज़रूर वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, लाइक तो ज़रूर कर दीजिए कि, क्योंकि देखो लाइक में तो ऐसा होता है कि कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं है, एक आगे को हमारा उत्साह होता है, बहुत सा सपोर्ट मिल जाता है कि लाइक किया यार किसी ने हमारी वीडियो को, बहुत पसंद करते हैं, इससे बहुत हमारा उत्साह बढ़ता है। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करना फ्रेंड्स। और तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और किसी की सहायता भी हो जाती है। ये मैंने बिल्कुल कम पैसे से, थोड़े थोड़े पैसे से ही, मतलब घर में कुछ कुछ सामान घर पे ऐसे पड़ा था, बहुत कम है जो मैंने मार्केट से लाया है, तो घर में बैठ के ही मैंने थोड़ा सा सामान लेकर थोड़ा मेकअवर किया है और सिंपल तरीके से बालों को जूड़ा बनाया है बिल्कुल। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर इस वीडियो को वॉच कीजिए और थैंक यू सो मच आपका। सबसे पहले आप ऐसे करके यूँ बाल उठा लीजिए थोड़े से, और इस साइड से भी ऐसे करके यूँ, और यूँ ये बस बिल्कुल सिंपल तरीका है। और फिर थोड़ा सा ऐसे घुमा के और थोड़ा सा झुकाव हो अगले से आगे की तरफ को यूं करके, और आप फिर ये सेफ्टी पिन होती है जो ब्लैक वाली बालों में लगाने वाली, इसको इसे आप यहाँ पे पिन को लगा सकते हैं, और इससे ये बालों में इसकी पकड़ रहेगी और इधर उधर नहीं जाएंगे। और फिर साइड वाले बाल आपने ऐसे करके थोड़ा से उठा लेने हैं, जो आपकी यहाँ पे इस यहाँ तक के जो बाल बचे हैं उसको उठा के आप फिर से ऐसे करके यूं गोल घुमा के, और फिर से आप यहाँ पे ऊपर पिन लगा सकते हैं, और इस तरफ भी आप ऐसे बाल उठा के ऐसे गोल गोल घुमा के, और यूं ऊपर आप इसमें पिन लगा सकते हैं। और यूं करके, और फिर ऐसे बहुत अच्छा हेयर स्टाइल, सिंपल वाला, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर आप सारे बाल को यूं पकड़ लीजिए, यूं पकड़ लीजिए, और ऐसे एक आप चाहो तो रबड़ भी ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ, वैसे नहीं किसी के पास है तो ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो लगा लीजिए ऐसे करके। इससे थोड़ा कसा हुआ रहेगा, अगर किसको ज़्यादा दिक्कत होती है, नहीं कसा हुआ चाहिए तो रहने दीजिए, और थोड़ा सा ऐसे
उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने जूड़ा करना है तो आप जूड़ा भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप परांदा भी लगा सकते हैं। तो मैं जूड़ा बना रही हूँ ऐसे, यूँ बाल को हाथ में ये ऐसे करके अपनी तरफ से ऐसे ले जाके यूँ निचले साइड से ले जाके, और ऐसे है यूँ, और ऐसे आप गोल घुमा के पलटा यूँ बालों को लगा लीजिए, और फिर थोड़े से बाल खींच के निचली साइड ऐसे कर लीजिए, जिससे आपका जो रबड़ है वो नहीं दिखाई देगा, और बहुत बड़ा सा जूड़ा आपका हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप ये वाला गजरा आपके पास अगर है तो आप ये लगा लीजिए ऐसे, और अगर आपके पास ये वाली पिन्ने हैं जूड़े में लगाने वाली तो ये भी लगा सकते हैं यार। और ये वाला जूड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और आपको कैसा लगेगा तो आप ज़रूर मुझे बताएं। और फ्रेंड्स, उससे बाद आप अगर आपके पास ये है तो आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस सिंपल से ऐसे ही लगाना है। मेरे पास है तो मैं लगा रही हूँ, दो लगा रही हूँ मैं, इससे बहुत अच्छे बालों की अच्छी सेटिंग आ जाएगी और अच्छा जूड़ा लगेगा। और आप बाद में ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े बाल आगे की तरफ खींच सकते हैं, उससे बाल लगाएंगे आप फेयर एंड लवली। मैं ऐसे ही लगाती हूँ हमेशा, तो मैं ये इसको ही लगा रही हूँ, ये देख लीजिए। ये करवा चौथ के लिए सिंपल मेकअप है, उससे बाद आप लगा लीजिए। मैं लगा रही हूँ वाटरप्रूफ ब्लू हेवन का फाउंडेशन विद SPF के साथ, और फिर मैंने ये लगा लिया है, मैंने थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, और ऐसे करके हम उससे बाद आप अपनी आईब्रो बना लीजिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला मेकअप ओवर कैसा लगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से है, ज़्यादा तामझाम नहीं मैंने कुछ भी किया हुआ है, कोई सीरम लगाता है कभी कुछ, मतलब मेरे को तो नाम का भी पता नहीं है मेकअप का, कोई शायद वो डब्बी होती रंग रंग वाली वो भी लगाते हैं, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिंपल तरीके से लगाती हूँ। और मैं अब लगा लूँगी अपना, ये मैंने सबसे पहले अपनी आईब्रो बना ली, और अब मैं इसमें लगा लूँगी, मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। कंपनी का नाम पता नहीं कौन सा है, पर ये कि भाई ये अच्छा, ये
मैंने इसको यूज करके देखा है। वैसे मैं पढ़ती हूँ तो अगर इसका नाम का पता चला तो, इसका नाम है सविस ब्यूटी आईलाइनर। और ये हो गया मेरा आईलाइनर, और ये हो गया मेरा 10 रुपये वाला काजल जिसको मैं हल्का हल्का लगाऊंगी। ये फैलने वाला है, ये फैल जाता है। आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसे लगा सकते हैं, बढ़िया कंपनी का कोई। ये तो 10 रुपये का है। और अब उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने फेस पे सिंदूर। सबसे पहले मैं लगाऊंगी इसको, ऐसे लिक्विड सिंदूर। आपको जैसा भी पसंद है वैसे लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सुक्का लगाऊंगी क्योंकि मैं सुक्के वाला सिंदूर को शुभ मानती हूँ, मैं उसको ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो वो लगाती हूँ उसके ऊपर। और अब मैं लगाऊँगी ये सिंपल बिंदी, 20 रुपये की पत्ता है इतना सारा, ये काफ़ी दिन तक चल पड़ता है। और इसमें मैं लगा लूँगी एक, इसके नीचे एक छोटा सा सिंदूर होता है, बिंदी उससे सिंदूर की। तो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए मुझे फ्रेंड्स। और उससे बाद लगाऊंगी मैं आईलाइनर। और अब मैं लगाऊंगी मैटी मी की लिपस्टिक। बहुत जल्दी ये मेकअप हो जाता है। और मैं डाल लूँगी एक मेरे पास जो मंगलसूत्र रखा होता आर्टिफिशियल, और अब मैं जो मैंने लिपस्टिक लगाई है इसके ऊपर लिप बाम वाली लिपस्टिक लगा लूंगी थोड़ी सी। इससे थोड़ी सी साइन सी बन जाती है लिपस्टिक में। और ये लगाऊंगी मैं इसमें झुमके, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे तो मैं ऊपर वाला ही लगाती थी। ये वाले निकाल दिए थे और ये तो हैवी लगते हैं, हाँ, और अच्छा भी नहीं लगता, इतने बड़े मैं नहीं डालती हूँ, तो मैंने ये निकाल दिए थे। तो आज मैं इसको ऐसे दोबारा से लगा के तो फिर लगा रही हूँ। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये सिंपल और ट्रिका मेकअप का कैसा लगा। मन अच्छा होना चाहिए और कम पैसों से भी हम अपना मेकओवर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसको काफ़ी साल हो गए लाए को, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे कम से कम 2 साल पहले, ऊपर लगा अब रही हूँ मैं। ये ऊपर वाले तो मैं लगाती रहती थी बीच बीच में भी, ये वाले और ये वाले मैं निकाल दिए थे। बिल्कुल कम समय में मैंने आपको कैसा ये वाला लुक लग रहा है तो ज़रूर बताना, और बालों का हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको ज़रूर बताना जी।
आपने यहाँ पे परांदा भी लगा सकते हैं। हमारे हिमाचल में ज़्यादा जब अच्छी शुभ वाली बातें होती है, मतलब कोई त्यौहार होता है अच्छा, तो हमारे मतलब परांदा लगाते हैं, तो परांदा भी आप लोग लगा सकते हैं। और ये रहा मेरा करवा चौथ का के लिए